हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मैक एंड बेनिफिट रिव्यू। फाइनली 2 महीने पहले नायका पे बहुत बड़ा सेल था, तब मैंने मैक एंड बेनिफिट के मेकअप के किट्स ले लिए थे। ये 5,000 में 6-7 प्रोडक्ट्स, वैसे वाले सेट्स। एंड तब मैंने आपको पूछा था कि क्या आप रिव्यू देखना चाहोगे, तो आपने हाँ कहा था। एंड मैं 2 महीने तक लगातार इनको टेस्ट करते हुए आ रही हूँ, एंड फाइनली मेरे पास मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रेडी है। आई कैन अंडरस्टैंड यू कि कितने महंगे होते हैं ये प्रोडक्ट्स और कितना जमा कर करके हम लेते हैं, इसलिए ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया अभी, ताकि हम साथ में रिव्यू के साथ साथ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करता है। बेनिफिट का जो मैंने सेट खरीदा था, उसमें ये 2 प्राइमर्स आए थे, एंड जो ये वाला है ना, उसमें मैंने फुल साइज पहले ट्राई किया हुआ है, बट वो मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया। मतलब 2 साल में मैंने उसको सिर्फ 4-5 बार यूज़ किया, इसलिए मुझे ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था जितना ये वाला लगा था। ये वाला प्राइमर काफ़ी बेटर है, एंड इसका जेल जैसा फिनिश है, एकदम ही लाइट वेट। जो दूसरा वाला प्राइमर है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ही अजीब सा फीलिंग देता है। सो इफ़ यू लुकिंग टू बाय अ प्राइमर, इनका ये मैट रेस्क्यू वाला काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू दी अदर वन। नाउ वी स्टार्ट विथ मैक, एंड बहुत ही मेहनत के बाद मैंने मैक का ये फाउंडेशन खरीदा था। ये चुटकू सा बॉटल, हाउ मच, 30 ml के लिए मैंने भरे थे 2,750 रुपये, एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने काफ़ी ब्रांड्स के फाउंडेशन ट्राई किए थे पहले, लेकिन मुझे बहुत हैवी वाला फीलिंग आता था, इसलिए मैंने फाउंडेशन लगाना ही छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार महंगा फाउंडेशन लेके देखती हूँ, अगर उससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो ट्राई कर सकता है। अच्छा है फाउंडेशन, बट जब मैंने 2 बार लगाना, तभी मेरा इतना बॉटल ख़त्म हो गया। तो तब से मैं क्या हैक यूज़ कर रही हूँ, मैं मेरे बॉटल को उल्टा करती हूँ, फिर इसके ढक्कन के अंदर ना ऐसे थोड़ा फाउंडेशन जमा हो जाता है, एंड एक बहुत ही छोटा सा ब्रश लेके मैं इसको बस ऐसे डॉट कर देती हूँ, एंड ऐसे यूज़ करती हूँ। तब जाके मुझे 3,000 रुपये वसूल लगेंगे, वरना तो ये 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, एंड आई कांट अफोर्ड 3,000 रुपीज़ का फाउंडेशन हर 2 महीने में। ये फाउंडेशन मेरे को पसंद क्यों आया मालूम है, क्योंकि इवन तो इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, हल्का फील होता है, नहीं लगता कि मेकअप लगाया, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक। अगर पूरा दिन फाउंडेशन पहनना हो ना, तो जो ऐसा केकी फीलिंग आता है ना कि बहुत सारा कुछ लगाया है, वो एक तो दिखता भी अच्छा नहीं और फील भी अच्छा नहीं होता। हाँ, कभी कभी ढक्कन में नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। अगर मैं ब्रशेस की बात करूँ, तो मैंने रियल टेक्निक्स के ब्रशेस आई थिंक 2 ईयर्स पहले लिए थे, वो भी मेरी फेवरेट यूट्यूबर ज़ोएला को देखकर लिए थे, कि वो पूरा टाइम यही ब्रशेस यूज़ करती थी, एंड ऑनेस्टली दे आर वर्थ द इन्वेस्टमेंट। बहुत महंगे हैं इनके ब्रशेस, लेकिन 2 साल में मुश्किल से 2 बाल भी नहीं निकले मेरे सारे ब्रशेस में से। तो दैट इज़ द क्वालिटी जो मुझे पसंद है, कि स्किन पर अच्छा फील होना चाहिए, अच्छे से वॉश हो जाने चाहिए, एंड सालों तक टिकने चाहिए। तो ऐसा दिखता है ये वाला फाउंडेशन। आई थिंक मैक के पास बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, पर मुझे वो दिन वहाँ के सेल्स वुमन ने ये रेकमेंड किया था कि ये उनका करंटली बेस्ट फाउंडेशन था, एंड एक्चुअली मेरा सेकंड रीज़न था कि ये उधर सबसे सस्ता फाउंडेशन भी यही था। तो आई डू लाइक दिस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। अभी आई नो कि उनके कंसीलर्स भी आते हैं, बट मुश्किल से फाउंडेशन लिया है, तो मैं कहाँ से 2-3 हज़ार का कंसीलर लूँ। तो मैं बस जो बचा कुछ फाउंडेशन रहता ना ये ब्रश में, उसी को ऐसे अंडर आइज़ पे डॉट कर देती हूँ, एंड आइज़ के ऊपर भी। आई प्राइमर भी हो गया, कंसीलर भी हो गया, सब एक ही चीज़ में हो गया। अभी आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पे, जो यू कैन से कि ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स का फेवरेट रह चुका है, वो है ये बेनिटेंट। ये बेनिफिट का लिप टिंट बोल सकते हैं, या लिप एंड चीक टिंट दोनों है। आई हैव ट्राइड दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये प्रोडक्ट मेरे डेली मेकअप किट में भी मैंने रखा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, बट सिर्फ चीक्स के लिए। इसको मैंने लिप्स पे कितनी बार लगाया, लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट लगाने के बाद भी मुझे इतना डिफरेंस नहीं दिखता। तो मेरे को लिप्स पे तो ये वेस्ट ही लगता है, कि मैं एक बार लिप पे लगाऊँ, उसके बदले मैं 2 हफ्ते इसको चीक्स पे लगा सकती हूँ। एंड इसका जो नेचुरल वाला फिनिश आता ना एज अ ब्लश, बहुत सही लगता है। लाइक चेक दिस, अभी लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं पाउडर नहीं लगाती पहले, क्योंकि फाउंडेशन भी लिक्विड है और ब्लश भी लिक्विड है, तो बेहतर ब्लेंड होता है अगर पाउडर नहीं लगाया तो।
फिलहाल मेरे लिप्स पे कुछ नहीं है, तो मैं आपको एक बार लगा के बता देती हूँ कि बेनेडिक्ट ऐसे बेयर लिप्स पे कैसा लगता है। ऐसा लगता है तो अभी तो फिलहाल दिख तो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट ना चीक्स पे ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो आई हैव चोजन कि इसको मैं सिर्फ चीक्स पे लगाऊंगी और मैं इसको लिप्स पे यूज़ नहीं करूँगी। तो एज अ ब्लश ये प्रोडक्ट वर्थ है। इतनी सी बॉटल 990 रुपीज़ की है, मतलब 1000 रुपये का सिर्फ इतना प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको चीक्स पे यूज़ करती हूँ कि वर्थ तो होना चाहिए। अगर लिप्स पे यूज़ किया तो 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बट अगर सिर्फ चीक्स पे यूज़ किया तो साल भर आराम से चलेगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स इन द होल वीडियो, वो है मैक का ये स्ट्रोब क्रीम। ये है एक लिक्विड हाइलाइटर। मेरे पास ज़्यादा हाइलाइटर्स है नहीं, एंड ये मुझे फ्री मिला था आई थिंक ये फाउंडेशन खरीदने पे, क्योंकि 2500 का लोगे तो 2 सैंपल्स फ्री मिलेंगे, ऐसा कुछ तो था। एंड ये 6 ml मैं 6 महीने से चला रही हूँ, बहुत सही प्रोडक्ट है। सिर्फ जो ऊपर बचा कुचा रहता है ना, मैं उसको मेरे फिंगर पे लेती हूँ इतना सा एंड डॉट इट आउट। लिटरली इतू सा प्रोडक्ट जो फिंगर पे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो आई थिंक ये मेरे को आराम से और 6 महीना चल जाएगा। एंड ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसका बड़ा वाला ट्यूब जो शायद 30 ml से ज़्यादा है वो 1000 रुपये का है, तो वो तो मतलब कितने ही साल चल जाए। तो अगर मैक में से कोई एक प्रोडक्ट मेरे को वर्थ लगता हो, डेफिनेटली ये स्ट्रोब क्रीम है। तो ये है मेरा एकदम लाइक नेचुरल बेस, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, 2-3 प्रोडक्ट्स, लेकिन एक क्लीन फिनिश आ जाता है। अभी ये सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने के बाद ही मैं कॉम्पैक्ट या पाउडर पे मूव ऑन करती हूँ। एंड ये है मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, जो ऑलरेडी मेरा इतना ख़त्म हो चुका है। इसके साथ एक्चुअली ये ऐसा स्पंज आता है, बट समहाउ कितना भी महंगा कॉम्पैक्ट क्यों ना, मुझे वो स्पंज जमता ही नहीं है, तो मैं मेरा ब्रश यूज़ करूँगी। And that's it. अगर आप लिक्विड फाउंडेशन डेली वेयर में नहीं लगाते, दैट इज वॉट दिस कॉम्पैक्ट इज फॉर। ये कॉम्पैक्ट एक्चुअली मैंने मेरी फ्रेंड रिजल शर्मा के रिकमेंडेशन पे लिया था, हम साथ में एक ट्रिप पे गए थे, एंड उसने बिना लिक्विड फाउंडेशन लगाए एकदम ही मस्त फिनिश लाया। तो मैंने उसको पूछा कि क्या प्रोडक्ट है ये, एंड तब शी सेड कि ये है ये वाला पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट, एंड देन आई वेंट एंड बॉट इट। एंड तब से मैं इसको जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं इसको डेली वेयर के लिए यूज़ करती थी बिना फाउंडेशन, बस ऐसे एक अच्छे फिनिश के लिए। तो दिस प्रोडक्ट विल लास्ट यू 1 साल अगर आप रोज लगाते हो तो, एंड दिस इज़ वर्थ द मनी। 2500 का है, लेकिन इतना अच्छा फिनिश मैंने कोई पाउडर में कभी नहीं देखा। सारे पाउडर्स यूजुअली टैल्कम पाउडर जैसे होता है या उसमें कुछ कवरेज नहीं होता, सारे डार्क सर्कल्स फिर भी दिखते हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अभी तक लग रहा होगा कि हेली क्या झूठ बोल रही है, अभी तक तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे 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 ही बोला है, बट नाउ स्टार्ट्स द फन पार्ट। अभी हम आई शेडो करने वाले हैं। आई शेडो के लिए हमारे पास है मैक का ये फैशन फनाटिक पैलेट। ये मैंने चूज़ नहीं किया था, सेट में यही आता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड मैंने ये सेट खरीदने के पहले इसके 100 रिव्यूज़ देखे थे, क्योंकि मेजॉरिटी वैल्यू इसी का था। आई थिंक इसका MRP कुछ 4250 ऐसा कुछ तो है, एंड इसके रिव्यूज़ बहुत ही मिक्स थे। कुछ रिव्यूज़ ने कहा कि चल जाएगा, यूज़ कर सकते हो, एंड सम रिव्यूज़ वो लाइक कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर मैंने फिर भी मेरा चांस ले लिया। एंड I don't like this palette. बहुत ही पाउडरी फिनिश है यार इसका, मेरे को इतना खास पिगमेंटेशन नहीं लगा, इसके शिमर्स भी इतने स्मूथ नहीं है जितने हो सकते हैं, एंड फॉर अ 4000 रुपीज़ का पैलेट, एक्चुअली पैलेट का साइज भी काफ़ी छोटा तो है। जब कम आई शेडोज हो तो क्वालिटी, मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि और भी बेटर होना चाहिए था। हम यूज़ करके देखते हैं तब आप समझोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, ये दोनों न्यूट्रल शेड लगता है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसको लगा देंगे फुल आई पे। फॉल आउट देखो, ये है पिगमेंटेशन, मतलब जो लाइट शेड्स है ना वो इतने लाइट है कि वो दिख ही नहीं रहे, और जो डार्क शेड्स है वो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहे हैं पैलेट पे। दिस इज एज डार्क एज इट विल गो, चाहिए तो मैं फिंगर से भी लगा के देखती हूँ। सी, दिस इज सो मच बेटर, फिंगर से इट इज सो मच बेटर, बट हर आई शेडो के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस अगर इतना एक्सपेंसिव पैलेट है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो ब्रश पे भी दिखे। बस अभी इसको ब्लेंड कर देते हैं,
ओके अभी हम थोड़ा सा डार्क आई शेडो ट्राई करेंगे. ये पैलेट में सबसे जो डार्क शेड है वो है ये वाला पर्पल. इसका नाम है वाइल्ड कार्ड एंड मैं इसको पिकअप करूंगी मेरे क्रीज ब्रश पे थोड़ा सा. मतलब इतना पे ऑफ आ रहा है वो शेड पैलेट में क्या दिख रहा है एंड आईज पे क्या दिख रहा है अलग ही है. लेयर नहीं होता बराबर से. कैन यू सी हाउ पैची इट इज. बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा. इसको फिर भी ब्लेंड करके देखते हैं. हाँ ब्लेंड करने के बाद तो उड़ ही गया. किधर है? इट्स सपोज टू बी द डार्केस्ट शेड ऑफ द पैलेट एंड ये हाल है. मैं एकदम जाड़ा वाला ब्रश ले रही हूँ. मतलब इसमें तो सारे आई शेडोज डार्क निकलते ही है. तो दिस हैज़ टू बी द फाइनल टेस्ट. वाओ ब्रश देख लो कितना कलर चढ़ा है ब्रश पे. इसको बोलते हैं कलर पे ऑफ. अब लेट्स सी ये ब्लेंड कैसे होता है. इसको जैसे ही ब्लेंड करने का ट्राई करता है इसका सारा कलर उड़ जाता है. यूजुअली पैलेट के जो डार्क आई शेडोज होता है ना उनको स्मोकी लुक के लिए यूज किया जाता है. स्मोकी लुक में डार्कनेस चाहिए होता है तो ये नहीं काम कर रहा. कितना लाइट है. तो ये हाल है ये पर्पल का. ये भी जितना था उससे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया. दैट ब्रिंग्स मी टू द पिगमेंटेशन पॉइंट कि अगर इसका पिगमेंटेशन अच्छा होता तो ये इतना लाइट नहीं हो जाता. इसमें पाउडरी फीलिंग ज़्यादा है इसलिए पाउडर की वजह से उड़ जाता है ब्लेंड करने का ट्राई करते. तो इसमें दो बहुत ही प्रिटी शिमर्स हैं. That's the effect. यहाँ पे मैं कितना भी कर लूँ कलर चढ़ ही नहीं रहा. प्लस ये एकदम पैची सा ग्लिटर लग रहा है कि सिर्फ आईज पे नहीं इसके आसपास भी ग्लिटर चले गया है और आईज पे इतना स्मूथ नहीं लग रहा. ऐसा लग रहा है कि ग्लिटर वाला पाउडर डाल दिया हो आई पे लाइक अ क्राफ्ट ग्लिटर और समथिंग. ट्राई करते हैं ये गोल्डन वाला. फिंगर पे थोड़ा सिल्वरिश लग रहा है. तो इसलिए मुझे ये पैलेट से इतना दुख हुआ क्योंकि 5,500 के हैम्पर में से 4,250 तो ये पैलेट के ही थे एंड ये पूरा पैलेट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता. 2 महीने से मेरे पास होने के बावजूद मैंने इसको 2 बार भी यूज़ नहीं किया क्योंकि द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट मुझे बिल्कुल जमा नहीं. स्पेशली मैं काइंड ऑफ मेकअप में बिगिनर ही बोल सकती हूँ. मुझे ज़्यादा इतना मेकअप आता है नहीं तो मुझे तो और डिफ़िकल्ट पड़ा ये. इसलिए दिस पैलेट इज़ डेफिनेटली अ थम्स डाउन फॉर मी. मत लेना ये. और अगर आप सेट ले रहे हो और ये इसका मेन चीज़ है तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि ये वर्थ नहीं है. नेक्स्ट है मैक का ये लिक्विड लास्ट लाइनर एंड ये भी वो सेट में आया था. एक्चुअली इसके बॉटल को देख के लगता है कि ये शायद शिमरी होगा लेकिन लगाने के बाद ये इतना शिमरी लगता तो है नहीं. एक चीज़ है कि मैंने एटलीस्ट लाइक 15-20 आई लाइनर ट्राई किए है एंड इतना लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर मेरा कोई नहीं रहा. मुझे आई लाइनर लगाना वैसे भी टफ पड़ता है और इसका ब्रश सूख गया है. तो बहुत ही डार्क है ये. एक्चुअली पूरा दिन रहता है. काफ़ी सारे आई लाइनर के मैंने क्लेम्स देखे कि 24 आवर्स स्टेइंग आई लाइनर 18 आवर्स स्टेइंग आई लाइनर एंड सारे के सारे आँक ऐसे मसलने पे निकल ही जाता है. बट ये अकेला आई लाइनर है जो आज तक आँक मसलने पे नहीं निकला है. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका प्राइस. आई थिंक ये कुछ 1,000 रुपये का मिलता है एंड 1,000 रुपीज़ फॉर एन आई लाइनर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. स्पेशली अगर आप रोज़ लगाते हो तो ये शायद आपको 1 महीना भी नहीं चलेगा. इसलिए मैं इसको थम्स डाउन दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है एंड इससे बेहतर तो हम 100 रुपये वाला आई लाइनर लेके ही पूरा दिन लगाते रहे. बट अगर आपका बजट है और अगर आप यूजुअली महंगे आई लाइनर्स लेते हो देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव आई लाइनर्स इन द मार्केट. नेक्स्ट है मस्कारा एंड मस्कारा में मेरे पास 3 डिफरेंट मस्कारा है. तो मैक वाले किट में आया था ये वाला मस्कारा. इसके नीचे छोटू से स्टिकर पे लिखा है इन एक्सट्रीम समथिंग इन एक्सट्रीम डायमेंशन ऐसा कुछ तो है. एंड उसके साथ ये सैम्पल वाला भी आया था फॉल्स लैशेस एक्सट्रीम ऐसा कुछ तो है.
एंड बेनिफिट के किट में भी दो मस्कारा आए थे, पर दोनों सेम ही है, वो भी रोलर लैश था और ये भी रोलर लैश ही है, बट एक बड़े साइज में था और एक छोटे साइज में। कमिंग टू द बेनिफिट मस्कारा, बिल्कुल पसंद नहीं आया, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया इसने मेरे आई लैशेज पे, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा ब्लैक कोटिंग दे दिया, ना लिफ्ट किया ना एक्सटेंड किया। बताती हूँ, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बहुत ही हल्का फिनिश है इसका। जब मैं कोई मस्कारा लगाती हूँ तो आई वॉन्टेड टू लुक लाइक कि हाँ कुछ लगाया है। नेचुरल लैशेज जैसा इफेक्ट चाहिए होता है तो मैं मेरे आई लैशेज को इतना तकलीफ नहीं देती ना कि मस्कारा लगाओ फिर रात को मस्कारा निकालो और उसमें आई लैशेज जड़ जाते हैं थोड़े से, तो अच्छा दिखना चाहिए। एंड वो सरप्राइजिंगली था ये सैम्पल मस्कारा। इसका क्या इफेक्ट है क्लोज टू मेबेलिन लैश सेंसेशनल। मतलब मस्कारा का असली टेस्ट होता है कि अगर आई लाइनर लगाया है और फिर भी उसमें मस्कारा दिख रहा है, मतलब द मस्कारा इज पावरफुल, वरना आई लाइनर छुपा देता है मस्कारा को। दीज आर द टू मस्कारास। इस दिन आई लाइनर नहीं लगा इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कि दिस इज बेटर, बट ट्रस्ट मी इतना जाड़ा आई लाइनर लगाने के बाद भी दिख रहा है, इसलिए ये वाला मस्कारा इज डेफिनेटली 10 times बेटर। मैक का जो ये दूसरा मस्कारा है ना, ये भी सेम इसके जैसा है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, ये बहुत पतला है, तो ये दोनों मस्कारा मुझे पसंद नहीं आए और ये छोटू वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया। ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर। कितना नाम सुना है इसके बारे में मालूम है कि सालों से इसके बारे में वीडियोस बनते आ रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ब्रॉन्जर इन द मार्केट एंड ऑल। तो ये मेरे बेनिफिट के सेट में ही आया था एंड आई हेट टू बी दैट वन, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने काफ़ी ब्रॉन्जर्स ट्राई किए पहले, मतलब काफ़ी, मतलब 2-3, बट इसके जितना स्मूथ इफेक्ट किसी और ब्रॉन्जर ने नहीं दिया। इसमें ग्लिटर बिल्कुल नहीं है, फुल मैट फिनिश है, इसलिए ज़्यादा बेहतर दिखता है। ग्लिटर का फिर पूरा फेस ग्लॉसी ग्लॉसी लगता है ना, तो इतना अच्छा भी नहीं लगता। लाइक चेक दिस, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट। वेरी सटल बट स्टिल इट वर्क्स। एंड यूजली मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ जो फ्री ब्रशेज आता है ना, वो ऑलमोस्ट यूजलेस होता है, बट दिस इज़ द ओनली मेकअप प्रोडक्ट जिसके साथ जो ब्रश आया है वो एकदम परफेक्ट है एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्टोर चाहिए ना, तो ऐसे स्वाइप करने का, और अगर आपको लाइट एवरीडे कॉन्टोर चाहिए कि मतलब एकदम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो वाइड, तो ऐसे करने का, तो ऑटोमेटिकली एक ब्लेंडेड फिनिश ही देता है, और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आड़ा। वैसे ब्रॉन्जर का क्वांटिटी भी अच्छा है, आई थिंक ये छोटा वाला ब्रॉन्जर है, मेरे को इसका MRP नहीं मालूम, लेकिन बेनिफिट वाला किट बहुत वो होता था, मतलब 3,500 में ये ब्रॉन्जर, बेनिटेंट, दो मस्कारा, दो प्राइमर, तो बेसिकली काफ़ी कुछ आ गया था। लास्ट प्रोडक्ट है मैक के ये बुलेट वाले लिपस्टिक्स। आई नो कि मैक के पास बहुत सारे अलग अलग है, लिक्विड वाले, ग्लॉस वाले, बट फॉर समवन जो यूजुअली इतने महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, उनको ये वाले लिपस्टिक सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे ज़्यादा फेमस ये वाले। तो एक मैंने लिया था लिपस्टिक का सेट, 5 lipstick कुछ 3,000 के पड़े थे, मतलब एक लिपस्टिक सिर्फ 500 या 600 रुपये का पड़ा था, उसमें से एक मेरा घूम भी गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक फुल साइज़ भी लिया था मैंने बहुत टाइम पहले, एंड दीज लिपस्टिक्स आर एक्चुअली वेरी 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 नाइस। 1,500 के लिए वर्थ है कि नहीं, आई वुड से कि 1,600 इसमें डालने से बेहतर है कि ये छोटा वाला ले लो, ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज आप शेड बार बार चेंज कर पाओगे, तो ये मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए बेहतर है कि छोटा वाला लिपस्टिक लेके ख़त्म करके बार बार चेंज करें। बट इसका फॉर्मूला, आई डोंट नो हाउ हैव दे डन दिस, लेकिन ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फील करता है। यूजुअली लिपस्टिक्स जो मैट होता है वो बहुत ड्राइंग फील होता है, बट ये अकेला लिपस्टिक वैसा मैंने ट्राई किया है जो मैट होने के बावजूद एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। एंड दिस इज द शेड टोप, TAUPE, ये तो प्रोनाउंस करने में भी ऐसा होता है ना कि, एंड मैं बाकी के शेड्स भी बता देती हूँ। ये है मैक का डीवा, बहुत ही डार्क पर्पलिश टाइप कलर है,
फिर है मैक का वेलवेट टेडी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि अच्छा सा लाइट ब्राउन शेड है, इट्स नॉट दैट डिफरेंट बट इट्स अ गुड न्यूड ब्राउन. मुझे वेलवेट टेडी उतना यूनिक शेड नहीं लगता, आई थिंक इसका ड्यूप आराम से मिल सकता है सस्ते में. नेक्स्ट है रूबी वू. रूबी वू इज अपेरेंटली सबसे बेस्ट मैट रेड लिपस्टिक इन द मार्केट. इसका कलर एक्चुअली उतना यूनिक नहीं है, इसका फॉर्मूला है जो यूनिक है. इसका आपको मैचिंग ड्यूप भी मिल सकता है. ये बहुत ही ब्राइट स्लाइटली ऑरेंज शेड है, लेकिन आप पिगमेंटेशन देख रहे हो ये सारे वन स्वाइप्स है और वो भी हल्के हाथ से है क्योंकि they're expensive. एंड लास्ट जो मेरे पास बचा है वो है द फेमस मेहर. ये है उनका सबसे पॉपुलर न्यूड पिंक शेड. ये मेरी मोहम सबसे ज़्यादा यूज़ करती है. ये कलेक्शन का जो एक्चुअली फिफ्थ शेड था ना, वो मेरा फेवरेट था. उसका नाम था चिली. परफेक्ट मिक्स ऑफ ब्राउन एंड रेड था, बट आई डोंट नो मैं कहाँ घुमा के आई हूँ वो, इट स्टिल बॉदर्स मी. पर हाँ, ये सारे लिपस्टिक्स थे एंड एक अच्छा सिलेक्शन है. मतलब अगर आप एक सेट ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सारे के सारे शेड्स अलग होने चाहिए, एंड वो किया है उन्होंने. तो ये लिपस्टिक कलेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा वर्थ लगा अभी तक. एंड लास्ट मेकअप प्रोडक्ट हमारे पास है मैक का, ये फिक्स प्लस प्रेप एंड प्राइम स्प्रे. इसको मैंने कुछ 10 बार यूज़ किया होगा और इतना ही ख़त्म हुआ है. मैं बहुत ऐसे चुन चुन के स्प्रे करती हूँ. ये मुझे सैम्पल फ्री मिला था वो मैक के वो मेकअप किट के साथ. इसको ना मस्कारा लगाने के पहले स्प्रे करना बेटर होता है, क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है कि मस्कारा फिर गीला होके लीक हो जाता है मेरे आइज़ के ऊपर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने डिफरेंस देखा है इसको लगाने के बाद. ऑल दो प्राइस इज़ एन इशू, ये मुझे फ्री मिला है इसलिए मैं इसको पसंद करती हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर पा रही हूँ. बट अगर मुझे खुद के पैसे लेकर ख़रीदना होता तो शायद मैं 10 बार सोचती लेने के पहले, और शायद ना भी लेती, बिकॉज इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता कि आई स्पेंड 2-3 हज़ार रुपये ऑन दिस. इट्स नॉट दैट अमेजिंग. ये था मेरा मैक एंड बेनिफिट का ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू. द थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट बाय इज़ द रोलर लैश मस्कारा. ये एक्सट्रीम डायमेंशन, इन एक्सट्रीम डायमेंशन वाला मस्कारा मत लेना. ओ गॉड, वो आई शेडो पैलेट तो डेफिनेटली मत लेना. अगर कोई तीन चीज़ें डेफिनेटली वर्थ इट है तो वो है बेनेटेंट, लेकिन सिर्फ चीक्स के लिए, क्योंकि इतना नेचुरल ब्लश मैंने और कहीं नहीं देखा. मैक का ये स्ट्रोब क्रीम, मतलब लिक्विड हाईलाइट, सेम रीज़न, इतना नेचुरल हाईलाइट मैंने कभी नहीं देखा एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन चलता है एंड क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है इसमें. एंड थर्ड थिंग इज़ मैक का ये स्टूडियो फिक्स, ये भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि समर्स में भी ये अच्छा फील करता है, ये मेल्ट नहीं हो जाता. सो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट दिस विल लास्ट यू लॉन्ग, तो दिस इज़ वर्थ योर मनी. एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स वाले का हिट एंड मिस कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लाइक ये फाउंडेशन चल जाएगा, अगर फिट मी भी ले लिया ना तो चल जाएगा, इससे 6 गुना ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेम फॉर द लिपस्टिक्स, दे आर नाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. वो मेबलिन के भी क्रीमी मैट्स वगैरह हो जाएंगे इसके सब्स्टिट्यूट्स. सो अगर आपको ये वीडियो देख के ज़रा से भी हेल्प हुई देन दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय. Thank you.